चीन के साथ युद्ध के बीच हुई गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा। 1962 में आज ही भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गई थी। चीन के साथ युद्ध के कारण विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के चलते सरकार ने यह फैसला लिया था। उस समय यह स्कीम 3 साल के लिए थी, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में दिया पहला भाषण। 1948 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान वह उपनिवेशवाद के खिलाफ जमकर बोले, साथ ही सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राजनीतिक ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान दें। मूक से लेकर रंगीन फिल्मों तक छाए रहे थे पृथ्वीराज कपूर। बॉलीवुड में मूक फिल्मों से लेकर रंगीन फिल्मों तक छाए रहे पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 में आज ही पंजाब के लायलपुर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 1928 में मूक फिल्म सिनेमा गर्ल से करियर की शुरुआत की थी। 1941 में सौरभ मोदी की सिकंदर ने पृथ्वीराज को सुपरस्टार बना दिया। 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर के नाम से नाटक मंचन करने वाली कंपनी बनाई, जिसने 16 साल में 2500 से ज़्यादा नाटकों का मंचन किया। मई 1972 में उनका निधन हो गया। पिता की याद में शशि कपूर ने 1978 में मुंबई के जूहू में मौजूदा पृथ्वी थिएटर की स्थापना की।